नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज एक खास विषय, जैसा कि आपको मालूम है कि दीपों का उत्सव दीपावली आने वाली है। दीपों के इस उत्सव में पूजा पद्धतियां विभिन्न प्रकार की है। हमारे देश की भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे धर्मों की अपनी अपनी अलग परंपराएं हैं। सनातन धर्म की अपनी परंपराएं हैं और जैन धर्म की अपनी परंपराएं हैं। जैन धर्म पर आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ मैं उस शख्सियत का आपसे परिचय करवा रहा हूं जो जैन धर्म में साधना और त्याग के क्षेत्र में और उसके साथ साथ प्रवचन की मीठी शैली के रूप में अपनी एक विशेष पहचान रखती है। जी हां, आपका परिचय आज मैं करवा रहा हूं साध्वी श्री वैभव श्री जी से। आइए मुलाकात करते हैं, दर्शन करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि जैन धर्म की परंपरा में दीपावली का उत्सव किस तरह से मनाया जाता है। महावीर के ये साधक, महावीर की राहों पर चलने वाले ये लोग, पथिक, साधना के ये पथिक किस तरह से दीपावली को मनाते हैं, आइए आपकी मुलाकात हम साध्वी श्री वैभव श्री जी से कराते हैं। और वैभव श्री जी से मुलाकात के साथ साथ आप ये हैं साध्वी श्री वैभव श्री जी और उनके साथ एक चेहरा हम आपको और दिखा रहे हैं, हंसता मुस्कुराता चेहरा। साध्वी श्री चरम श्री जी इनका नाम है और इनके बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ आकर के, जान करके कि करीब 16 वर्षों से ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं। बताया गया है मुझे कि जब से इन्होंने दीक्षा ली तब से ये बोले नहीं हैं और चेहरा यहीं हंसता मुस्कुराता है। और वैभव श्री जी और उनके साथ जितने भी सहयोगी सहवर्तनी साध्वी श्री जी हैं, इनके चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर ही जान लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य साधना का, त्याग का, तपस्या का। और अब आइए चलते हैं उस मधुर वाणी की तरफ। साध्वी श्री वैभव श्री जी, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज के चैनल में। आज हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स तक ये बताना चाहते हैं कि जैन धर्म की परंपरा में दीपावली का उत्सव कैसे मनाया जाता है और किस तरह से रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सकुन शांति को प्राप्त करने की उपासना की जाती है। वैभव श्री जी, जैन धर्म में दीपावली का जो पर्व है जी, वह एक आध्यात्मिक संधि साधना की तरह मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था जी। निर्वाण कल्याणक के रूप में जैन धर्म में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। निर्वाण कल्याणक यानी जिस दिन समण भगवान महावीर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद इस शरीर से जो कुछ उनको यात्रा करनी थी वो यात्रा संपूर्ण की और इस देह का विसर्जन कर वे परम में लीन हो गए जी। परमात्मा पद तो प्राप्त कर ही चुके थे, अब वे परमात्मा अवस्था में सदा के लिए महाविदेह हो गए। उस सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था का ध्यान करते हुए समस्त जैन साधक, चाहे वे साधु साध्वी के रूप में हो, चाहे वे गृहस्थ में रहते हुए समणोपासक हो अथवा समणोपासिका हो, वे सभी लोग प्रभु महावीर का ध्यान करते हुए उनके द्वारा दी गई अमृतमयी देशना का, उत्तराध्यन सूत्र का अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, प्रभु महावीर की स्तुति गान पुंची सुनम के द्वारा करते हुए मनाते हैं जी। यहाँ पर साधु साध्वी सावक साविका कितने ही लोग अष्टम तप की आराधना करते हैं जी, तेला तप करते हैं। 3 दिन 3 रात्रि वे लोग मौन, उपवास और ध्यान में बिताते हैं और दीपावली की रात्रि को विशेष तौर से जब स्वाति नक्षत्र का योग होता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के योग होने पर अमावस्या की रात्रि को प्रभु महावीर का निर्वाण हुआ और साथ ही साथ उसी रात्रि को सूर्योदय होते होते प्रभु महावीर के प्रमुख शिष्य पट्टधर इंद्रपुति गणधर गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त था, इसलिए यह रात्रि विशेष तौर से ध्यान साधकों के लिए, आध्यात्मिक साधकों के लिए एक साधना का संधि अवसर है जी। इस साधना में वे लोग रात्रि में ध्यान करते हैं और अपने विगत सारे ही पाप दोषों की आलोचना, क्षमा प्रार्थना करके कायोत्सव में लीन होते हैं और अपने भीतर के कर्मावरणों को शिथिल करते जाते हैं।
सघन अंधेरा अंदर का भी दूर होता जाए और कर्मावरण दूर होकर के भीतर में केवल ही ज्योति प्रगटे, यही इस पर्व की सार्थकता एक साधक के जीवन में होती है जी। और जब सूर्योदय होता है तब सभी लोग परस्पर एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए मेल मिलाप करने रूप रामा श्यामा करते हैं जी। और इस मेल मिलाप के साथ वे लोग इस पूरे अस्तित्व को, पूरे ब्रह्मांड को, संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों को आत्मवत जीने का संकल्प करते हैं जी। भात्र प्रेम के साथ कैसे हम अपने भाई के साथ प्रेममय होते हैं, ऐसे ही जीने का संकल्प करके वे लोग नव वर्ष में प्रवेश करते हैं जी। दीपावली का पर्व जैन समाज के लोगों में इसलिए भी महत्ता रखता है क्योंकि जैन समाज के व्यापारी वर्ग में प्राचीन काल से इसी दिन से नए बही खाते प्रारंभ किए जाते हैं दीपावली के अगले दिन से। और तब वे लोग वीर निर्वाण संवत करके नया वर्ष प्रारंभ करते हैं और इस नए वर्ष के साथ बही खाते नए डाल करके उसमें इंद्रवती गणधर गौतम स्वामी को प्रणाम करते हुए उनके जैसे अक्षय भंडार भरे ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इंद्रवती गौतम स्वामी के पास ये लगती थी कि वे जरा सा स्पर्श कर दे जिस पात्र को, वो पात्र अक्षय पात्र बन जाए। मतलब आप समृद्धि की बात कर रहे हैं आप जी जी जी। तो त्यागियों के पास समृद्धि स्वतः चलकर आती है। कहावत है ना कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, बेतलब जब से हुए वो बेकरार आने को है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जब तक लोग धन के पीछे भागते हैं धन नहीं मिलता जी। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि लक्ष्मी जो है वो एक स्त्री है, देवी है। और स्त्री देवी लक्ष्मी की एक विशेषता होती है कि स्त्रियां कभी उन पुरुषों को पसंद नहीं करती जो उनके पीछे भागते। क्या बात है, लॉजिक तर्क के साथ जी। वे उनको पसंद करते हैं, पसंद करती है जो अपने कार्यों में मस्त रहते हैं और कर्मठ रहते हैं, पुरुषार्थी रहते हैं, सतत धीर वीर गंभीर बने रहते हैं। लक्ष्मी स्वयं लौट कर उनके पास आती है। ये संपदा, ये समृद्धि इंद्रवती गौतम को मिली क्योंकि उनके भीतर कोई तरह की तलब नहीं थी। मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग रमते हैं लक्ष्मी उनके पास स्वतः आती है। जी जी। आध्यात्मिक क्षेत्र में रमते हैं जिनकी सोच सम्यक होती है, जिनके भीतर कोई तरह का कालुष्य नहीं होता है, कोई तरह की मलिनता नहीं होती, माया कपट लालच झूठ नहीं होता, उनके पास लक्ष्मी स्वयं आती है। और कहा भी तो है कि जहाँ संप वहाँ संपदा जी। जहाँ संप है यानी शांति है, परस्पर समानुभूति है, प्रेम है, मैत्री है, मैत्री है, उसके पास संपदा स्वयं चल करके आ जाती है। इसीलिए जैन लोगों को आपने देखा होगा ये लोग प्रायः अनीति से धनोपार्जन नहीं करते। ये लोग अपने धन के मामले में भी बहुत नीतिमत्ता बरतते हैं और अपने भीतर की वृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, अपने मन की कमजोरियों को जीतते हैं। इसीलिए तो जैन कहलाते हैं, क्योंकि जैन का मतलब ही है जो मन की कमजोरियों को जाने और उनको जीत ले, उनको समाप्त कर दे। तो इस रात्रि का महत्व क्या है कि इस रात्रि पर हम प्रभु महावीर की उस परम चेतना के साथ एकाकार होने के लिए ध्यान करें, भक्ति करें और अपने भीतर की संपूर्ण शुभ्रताओं को समाप्त कर दें। यह रात्रि अंधकार पर प्रकाश की विजय, अहंकार पर विनय की विजय और दुर्भावनाओं पर सद्भावना की विजय के रूप में रहती है। इस रात्रि पर आराधना करने वाला साधक भौतिक समृद्धि की चाहना न रखे तब भी भौतिक समृद्धि उसे स्वयं में प्रकट होती है। क्या बात है, वो चाहना न रखे फिर भी उसे चाहना न रखे फिर भी स्वयं में प्रकट होती है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने एक बात कही, बहुत दृष्टांत देकर के कही कि आप गेहूं की खेती करो तो उसके साथ में आपको वह धान तो मिल ही जाएगा जो पशु पक्षी के खाने के लिए उपयोगी होता है। आप उसको चारे को पैदा करने के लिए खेती नहीं करो, आप गेहूं के लिए करो, चारा स्वयं में बनता है। ऐसे ही क्या है कि आप अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, अपने भावों को शुद्ध करो, अपने कार्यों में प्रमाद मुक्त हो जाओ तो बाकी का कार्य तो स्वयमेव होता है, लक्ष्मी स्वयमेव आती है। वैसे भी लक्ष्मी के कई अर्थ है। लक्ष्मी केवल धन वैभव रूप ही नहीं है, प्राय जगत तो वैभव लक्ष्मी की भी पूजा करता है। सबको पैसा ही चाहिए और पैसा ही भगवान लगता है उनको, लेकिन जैन साधक को यह दृष्टि होती है कि पैसा भगवान नहीं है, पैसा उपयोगी साधन है। और अगर हम अपने लक्ष्य के
मार्ग में पक्के हैं, ईमानदार हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले साधन लक्ष्मी, जो लक्ष्य को दिलाए, जो लक्ष्य को प्राप्त कराए, वे सारे अनुकूल साधन आपको अपने साधना मार्ग में स्वयं ही प्राप्त होते चले जाएंगे। लेकिन जब वे साधन आए तब भी साधक किसी तरह से उसमें फल फूल ना जाए, उसमें अहंकार में ना आ जाए, इसलिए उसको दान की महत्ता बताई जाती है। तो दीपावली पर नव वर्ष के प्रारंभ करते हुए व्यापारी लोग सबसे पहले दान भी निकालते हैं। वो दान गुरुओं की सेवा के लिए, अतिथि संविभाग के रूप में निकालते हैं, साधर्मियों की सेवा के लिए निकालते हैं, और इस तरह से वे देने में विश्वास करते हैं। और जो भावना, जिसकी भावना देने की होती है, उसको कभी कोई कमी रहती नहीं, उसको सारी समृद्धियां स्वयं ही मिलती है। क्या बात है, जिसकी भावना देने की होती है उसको कभी कोई कमी नहीं रहती। फिर भी साध्वी श्री जी, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि ये दौर आर्थिक दौर है, बिल्कुल पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आज के दौर में हम पैसे की कीमत को भी नहीं आंक सकते, क्योंकि आजकल आदमी की कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है, ये हकीकत है। आदमी को पैसे से जाना जाता है, उसके व्यक्तित्व से कम जाना जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आदमी को उसके व्यक्तित्व से जानते हैं, बल्कि दौलत की उसकी ऊंचाइयों से उसके व्यक्तित्व की माप की जाती है। इस दीपावली पर बहुत सामान्य लोग भी पूजा करेंगे, करते हैं, अति सामान्य भी करते हैं, और सुख समृद्धि वाले भी करते हैं। मैं सुख समृद्धि वालों की बात नहीं करूंगा, मैं अति सामान्य और सामान्य वर्ग की बात करूंगा कि उनके जीवन में बरकत आए, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, संघर्ष का दौर उनके लिए खत्म हो। क्योंकि व्यक्ति के लिए जब संघर्ष का दौर खत्म नहीं होता, जिंदगी की उहापोह से वो जब तक जूझता रहता है, तब तक वो अध्यात्म की शरण में भी नहीं जा पाता। तो इसके लिए कुछ ऐसी अगर मंत्र हों, कुछ ऐसे तथ्य हों, वो आप श्री फरमाएं, ताकि वे लोग इसका लाभ उठा सकें। आपने कहा कि कुछ मंत्र अथवा कुछ तथ्य बताए जाए, जिससे कि सामान्य जन अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी जी आनंद के साथ कर सके और धर्म और आध्यात्मिक को भी अच्छे से जी सके। देखिए, यूं तो बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु आज का दौर ऐसा है कि हम ज्यादा संस्कृत के मंत्रों का प्राधान्य रखने की बजाय कुछ अगर हिंदी के मंत्र दिए जाए तो व्यक्ति की चेतना उसके साथ जल्दी कनेक्ट होगी। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी से ध्यान के क्षणों में निकला एक समृद्धि मंत्र की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। वह समृद्धि मंत्र ऐसा मंत्र है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति इसको अपना करके अपने भीतर की समृद्धियों को उपलब्ध हो सकता है। इस समृद्धि मंत्र को पहले हम गाते हैं, उसके बाद आपको उसका थोड़ा सा सार बताते हैं। धन समृद्धि, धन समृद्धि, प्रज्ञा की समृद्धि, धन समृद्धि, धन समृद्धि, प्रज्ञा की समृद्धि, जय रिद्धि सिद्धि आभार, जय रिद्धि सिद्धि आभार, नमो अरहंतानं आभार, नमो सिद्धानं आभार, प्यारे सतगुरुवर आभार, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। अगर प्रतिदिन कोई भी उपासक इस मंत्र की 27 बार की साधना करेगा गाते हुए, तो यह मंत्र उसको भीतर से समृद्धि से भरेगा। क्योंकि इस मंत्र में मांग नहीं की गई, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह मंत्र में आपने कोई प्रार्थना, कोई याचना, कोई मांगना नहीं की। इस मंत्र में आपने तन समृद्धि, धन समृद्धि, प्रज्ञा यानी विजडम की समृद्धि, जय विद्धि सिद्धि आभार कहा। आभार कहा है, बिल्कुल, धन्यवाद दिया। जी जी जी, क्योंकि जैसे आप झुकते हो, आभार भावों में आते हो, और आपने समृद्धि को देखकर आभार व्यक्त किया, वैसे ही समृद्धियां स्वयं आपकी ओर आकर्षित होकर के आ जाती है। प्रकृति का यही नियम है कि आप जिन गुणों को देख करके झुकते हो, वे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिकली एंटर होने लग जाते हैं। जी, तो क्यों ना हम इस आभार समृद्धि आभार मंत्र का ध्यान जाप इस रात्रि को करें। तीनों दिन मिलकर के अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठ करके इसका जाप करे, तो यह मंत्र उसको सांसारिक क्षेत्र में भी उन्नति देगा। साथ ही साथ इस मंत्र में प्रज्ञा की समृद्धि के बाद में नमो अरहंतानम आभार, नमो सिद्धानम आभार कहा गया है। जी,
अरहंत और सिद्ध को आभार कहने का मतलब है कि इस जगत में मौजूद समस्त गुणों के गुण पिंड है अरहंत और इस जगत में व्याप्त परमात्मा शक्ति का नाम है सिद्ध। तो जब हम जगत में मौजूद समस्त गुणों को प्रणाम करते हैं और इस ब्रह्मांड की परम शुद्ध अवस्था को प्रणाम करते हैं, परम शुद्ध चेतना को प्रणाम करते हैं, तो वह प्रणाम हमें विराट करता है, हमें अपनी समस्त संकीर्णताओं, शुद्रताओं और कर्म आवरणों से मुक्त करता है। और फिर हमने कहा ये ज्ञान देने वाले सद्गुरु का आभार। सद्गुरु का आभार करते ही सद्गुरु के हम मार्ग में प्रविष्ट होते हैं और उनकी दिव्य कृपा को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो सद्गुरु का आभार, जय हो जय हो जय हो, यानी हमेशा जागृति हो, जीत हो, जयना हो। और आप जहाँ भी रहो वहाँ आत्मविश्वास से भर के रहो। आत्मविश्वास परम समृद्धि का द्वार है। तो यह मंत्र का जाप दीपावली की रात्रि को भी किया जा सकता है और वर्ष भर भी किया जा सकता है, उम्र भर किया जा सकता है। इसकी निरंतरता रहनी चाहिए। इसकी निरंतरता रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी हमने बहुत से साधकों को पुणे में इस मंत्र का जाप कराया और बहुत सारे साधकों का अनुभव रहा, गृहस्थों का अनुभव रहा कि जैसे उन्होंने अपने घर में 8 घंटे 12 घंटे इस मंत्र का जाप किया तो उनके घर का वातावरण बदल गया, उनके व्यापारिक क्षेत्र में ऑटोमेटिकली समृद्धियाँ बढ़ने लग गई। वे कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं लेकिन शांत होती रही हमारी चेतना तो सही निर्णय खुद आते गए, और सही निर्णय आते हैं और सद्भावित मन हो तो समृद्धि तो स्वयमेव आती है, क्योंकि समृद्धि का द्वार जो है वो सद्भावना से प्रकट होता है। इसीलिए सद्भावित मन रहे तो समृद्धियाँ स्वयमेव आएगी। दीपावली की रात्रि में सभी साधक ध्यान में रहे, भक्ति में रहे, हो सके तो तेला तप करे, न हो सके तो अमावस्या की रात्रि को पौषक व्रत की आराधना करे, उपवास में रह करके ध्यान आराधना करे। अगर उन्हें यह मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है, सभी लोग इस पे नहीं आ पाते हैं, अगर आप सभी लोग नहीं यह मार्ग अपना सकते हो तब भी एक पथ हम अपनाएं कि इस दिन हम देव गुरु और धर्म की भक्ति करें, गुरु भक्ति करें, परमात्मा भक्ति करें, और कम से कम भी 3 से 3.5 घंटे बैठ करके अगर घर के सभी सदस्य इकट्ठे होकर के भक्ति करेंगे तो उनके घर में वातावरण में हर स्थान पर समृद्धि बढ़ेगी और विषमताएं समाप्त हो जाएगी और आप सभी साधकों की जिंदगी से हर प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाए, हर प्रकार की अशांति और विषमता दूर हो जाए, संकीर्णता दूर हो जाए, भय दूर हो जाए और सबके भीतर उस अरहंत सिद्ध परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो। यही आप सबके लिए सद्भावना और दुआ। क्या खूब, ये थे साध्वी श्री वैभव श्री जी, जिन्होंने बहुत तर्कों के साथ और बहुत सहजता और सरलता के साथ दीपावली को कैसे मनाया जाए जैन परंपरा में। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैन परंपरा की बात तो ज़रूर है लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ जैन ही इसे अपनाएं, जैन ही मनाएं, अने अजैन भी इसमें इसको आजमा सकते हैं और उन्हें ये पता चल सकता है कि इस परंपरा का महत्व क्या है और इस परंपरा की उपयोगिता क्या है। एक बात बिल्कुल साफ हुई कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप खुद को ही अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए कि ऊपर वाला खुद आपको देने के लिए खुद आ जाए, समृद्धियां खुद चल करके आपके घर के दरवाजे पर आ जाए। इसके लिए आपके मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं बहुत हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ साध्वी श्री वैभव श्री जी का, साध्वी श्री चरम श्री जी का, कि आज पूना में ये मुझे सुखद संयोग मिला और एक पहले परिचय से ही आपने जितना समय दिया, मान दिया, उसके लिए हृदय से कृतज्ञता, हृदय से आभार। व्यूवर्स दर्शन कीजिए, जो कुछ साध्वी श्री जी ने कहा है उनको अपनाने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने सुना है, कल आप इनके दरबार में हाजिरी देने के लिए ज़रूर आओगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। चरम मंगल प्रणीता आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी का ये दिया हुआ दुआ पाठ है। इस दुआ के द्वारा आप सबकी जिंदगी में समृद्धि शांति आए। पूज्य विराट गुरु जी सृजित दुआ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम,
आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख बिखलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख बिखलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो जय हो जय हो सबका कल्याण।